बिहार की राजधानी पटना में पांचवी की छात्रा के साथ रेप के मामले में सिविल कोर्ट ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि दोषी क्लर्क अभिषेक को उम्र कैद की सजा दी है। करीब 3 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने प्रिंसिपल पर 1 लाख रुपए और क्लर्क पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सहरसा के एक दुकानदार व्यवसायी की दुकान में घुसकर अपराधियों ने दिन दहाड़े मारपीट की घटना को अंजाम दिया और 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये कहाँ की घटना है? पैस्टोला हमारी माँ बताने के लिए हमारी माँ बगले में थी दुकान के पास, दुकान पर माँ को भी चाकू चला के भाग गया। पाँच दस आदमी उसके साथ था। वो लोग कौन थे, आप उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। वहीं सिवान में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां जिले के टड़वा गांव में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी सहित 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला। वहीं इस घटना में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दोनों बेटियों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टाड़ावा गांव में एक दर्दनाक घटना घट गया है, जहां पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटी को जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें पत्नी का घटनास्थल पर मृत्यु हो गया है और 2 बेटी उनकी जीवन और मौत से जूझ रही है, जिनका सदर अस्पताल में हम लोग प्रथम उपचार करा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दर्दनाक घटना है। वहीं सुपौल में जमीन विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वैशाली के हाजीपुर महनार मुख्य सड़क पर सड़क हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बालू से लदे ट्रक ने बाइक सवार पिता और बेटे को कुचल दिया, जिसके बाद यह घटना हुई। वहीं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के यूनिसेफ की ऑफिस में आग लग गई। आग लगने के कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें किसी की जान के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। अस्पताल का यूनिसेफ का एक छोटा सा कार्यालय है, उसी में आग लगी हुई थी। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगा। नुकसान वही कुछ ने पेपर जला, उनका रिकॉर्ड जो जला है, रजिस्टर जला है। वहीं जमुई के झाझा में हुए पैक्स चुनाव का मतगणना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर मतगणना अब भी जारी है और कुछ जगहों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 9 पंचायतों में से 12 जोर के विजय कुमार 551 मत, बलियाडीह के अरविंद यादव ने 233 मत, बैजला के हरि यादव ने 216 मत, करहरा के राजेश यादव, वहीं कर्मा के बच्चू यादव ने बहुमत प्राप्त कर अपने पैक्स क्षेत्र से जीत हासिल की है। आज देखिए, आज 2 मुख्य चीजें हैं। पहले तो सरस्वती पूजा है, तो काफी जगह मनाया जा रहा है, उसका अनुश्रवण कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा पैक सिलेक्शन जो कल संपन्न हुआ, उसकी अब काउंटिंग चल रही है। दोनों चीजें अभी तक शांतिपूर्ण है। इलेक्शन का पूरा काउंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 राउंड यहाँ झाझा में अभी बचता है। अभी तक सब शांतिपूर्ण है और आगे भी 1-1.5 घंटे में ये लोग संभवतः काउंटिंग कंप्लीट करा लेंगे। और जहाँ तक सरस्वती पूजा की बात है, तो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जितने मजिस्ट्रेट्स हैं सब अपने अपने क्षेत्र में सब जगह देख। तो वहीं इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमुई से हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, 9 पंचायतों में से जो जमुई जिले के जो 9 पंचायत हैं, उनमें पैक्स का चुनाव किया गया है, वहां से क्या कुछ अभी निकलकर अपडेट सामने आ रहा है? हर्ष जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि जमुई जिले के सभी मतगणना केंद्रों पर आज जो कि मतगणना होना था पैक्स अध्यक्ष को का चुनाव को लेकर, तो लगातार जिला अनुमंडलाधिकारी और जिला अधिकारी के निर्देश में लगातार सारे प्रशासनिक और विभागीय पदाधिकारी जो है वो निरीक्षण करते नजर आए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की भी हर एक मतगणना केंद्रों पर पूरी टीम मुस्तैद के साथ तैनात थी। वहीं बीएमपी जवान भी इसके लिए नियुक्त किए गए थे।
कई जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हुआ तो कई जगह थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी नजर आई। जैसा कि आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत बैजला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों की आपस में कुछ देर के लिए झड़प और भिड़ंत हो गई, परंतु स्थानीय प्रशासन बल की मौजूदगी से माहौल को तुरंत शांत करवा दिया गया। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। तो जमुई जिले के 9 पंचायतों में जो है पैक्स चुनाव किया गया है और इनमें से कई पंचायतों का जो है आज मतगणना भी की गई है और उसमें से कई पंचायत के जो है परिणाम है जो मतगणना हुई उसे भी घोषित कर दिया गया है।